दोस्तों फोर्थ T20 मुकाबला यानी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का चौथा T20 मुकाबले के पहले टीम इंडिया को मिला है खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया में कप्तान की कमी महसूस होना शुरू हो गया था। जी हाँ दोस्तों, पिछला जो T20 मुकाबला हुआ था इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच, वहां पर रोहित शर्मा जो कि भारतीय टीम का कप्तान है, उनको लगा था चोट, यानी वो चोटिल हो गए थे। चोट के कारण वे रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और बाद में उन्होंने बैटिंग नहीं की, लेकिन दोस्तों उनके चलते भी टीम इंडिया ने वो मैच आसानी से जीत लिया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि फोर्थ T20 मुकाबला में कौन होगा कप्तान, कौन रोहित शर्मा की जगह लेगा। और यहाँ पर अगर अव्वल नंबर पे देखा जाए तो हार्दिक पांड्या का नाम आ रहा था, या फिर ऋषभ पंत को भी किया जा सकता था कप्तान, लेकिन दोस्तों अभी वो नौबत नहीं आएगा क्योंकि रोहित शर्मा अभी पूरा फिट है और इंडिया कैंप से ये न्यूज़ खुद बताया गया है कि रोहित शर्मा नेक्स्ट मैच यानी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो चौथा मैच है अमेरिका में खेला जाएगा, फ्लोरिडा में, वहाँ पर रोहित शर्मा को कप्तानी करते हुए हम देखेंगे। तो टीम इंडिया के लिए ये बेहद ही खुशखबरी है और ऐसा अगर चलता रहा तो ये सीरीज हम ज़रूर जीत जाएंगे फोर्थ T20 मैच में ही। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, फोर्थ T20 मैच ही सीरीज डिसाइडर होगा या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके देखिए मेरे कमेंट का।